फिर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSPU जौनपुर, सभी छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, अंत तक बने रहेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जुड़ जाएंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। कोई भी अपडेट किसी भी समय आ सकती है, कोई भी नोटिफिकेशन आ सकता है, जिससे कि आपको तुरंत अवगत कराया जा सके, इसलिए आप सभी छात्रों को जुड़ जाना है आगे की अपडेट्स के लिए। तो जितने भी छात्र हैं पूरा वीडियो देखेंगे तभी बातों को समझेंगे। एक नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से कल जारी होता है और बहुत से लोगों ने मेरे पास भेजा, बट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना पाऊँ। जब मैं उसको देखता हूँ रात में तो मैं उन लोगों को तो रिप्लाई कर देता हूँ तुरंत कि भैया ऐसे ऐसी बात है, कोई इसमें क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो अब समय मिला तो आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है कि डाउट ये कई लोगों को बढ़ चुका है, उसको दूर कर दिया जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और डिटेल में जानकारी लेते हैं। पहले तो ये चीज़ समझेंगे कि BA BSc BCOM का टाइम टेबल आ चुका है, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर। अब वे छात्र इस नोटिस से थोड़ा सा परेशान हो गए हैं, तो उनको दूर करना है क्योंकि उनके एग्ज़ाम्स को लेकर के वो सोच रहे हैं। पहले यहाँ पर नोटिस पढ़िए क्या लिखा गया है कि समस्त पाठ्यक्रम जो हैं विषम सेमेस्टर के, उनकी परीक्षा फॉर्म 2023-24 का भराने के लिए बोला गया है। यही है कुल मिलाकर के, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर डेट दिया गया है कि ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि 20/11 से 26/11 तक, भरे गए परीक्षा फॉर्म को विभाग में जमा करने का 20 से 28 तक, विभाग द्वारा परीक्षा फॉर्म सत्यापन तिथि 30 तक और एग्ज़ाम डेट बाद में घोषित की जाएगी। ठीक है, पढ़ लिया आपने। तो जब इस नोटिस को ये छात्र देखते हैं, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर BA BSc BCOM का, तो वे परेशान हो जाते हैं कि उनकी परीक्षाएं भी अब टल चुकी हैं, ये नोटिस हो गया। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है, पहली चीज़ समझेंगे विषम सेमेस्टर समस्त बोला गया है, इससे रिलेट करता है कि कोई भी सेमेस्टर हो, पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां, ये सब विषम में आएंगे। तो इन सभी छात्रों का परीक्षा फॉर्म का डेट बताया गया है, लेकिन ये ध्यान रखना है आप सभी छात्रों को कि इसमें बोला गया है विश्वविद्यालय परिसर में, यहाँ पर ध्यान रखेंगे विश्वविद्यालय परिसर बोला गया है। तो आपकी यूनिवर्सिटी की कैंपस होती है, कैंपस होती है जहाँ उन बच्चे खुद जाते हैं पढ़ने, जहाँ पर एडमिशन होता है। आप लोग देखे होंगे और नोटिस आता है कि फला सीट खाली है, आओ डायरेक्ट एडमिशन ले लो, ये कर लो। तो वहाँ पर कई कोर्स चलते हैं खुद ही, तो वहाँ के बच्चे खुद स्पेशल हैं तो उनके एग्ज़ाम भी होते हैं। तो ये नोटिस जो है उन छात्रों का है, केवल कैंपस के लिए। अगर यहीं पर लिखा होता कि विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों में, या आपके दोनों ज़िलों की बात लिखा होता कि जौनपुर से संबंध गाजीपुर और जौनपुर के समस्त महाविद्यालय, तो ये चीज़ें आपके लिए होती। फ़िलहाल ये सिर्फ़ और सिर्फ कैंपस के लिए है, इससे आपका तो कोई कुछ लेना देना नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी इस तरीके से करें, पढ़ाई देने जाएं, कोई परीक्षा स्थगित नहीं हुई है, ठीक है। आपकी परीक्षाएं 21 नवंबर 2023 से होने वाली है और कल मैंने पेपर पैटर्न बता दिया है, वीडियो जा करके देख लो, वैसा ही आपका पेपर आने वाला है, उसी के अनुसार तैयारी करो, एग्ज़ाम देने जाओ, ठीक है। कोई परीक्षा स्थगित नहीं है, अगर स्थगित होगा तो अपडेट आएगा, अपडेट आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल परीक्षाएं 21 नवंबर से ही होंगी। मिलता है एक नए वीडियो में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नए इन्फो चैनल।